लेवल तक पहुंच जाऊंगा। वाह, आशीष ज्वेल्स जैसा कोई गेम नहीं। मैं तो रात दिन अब बस हरी हरा आशी की तलाश में रहती हूँ। बस वो मिल गया तो मैं भी गेम की अगले लेवल तक पहुँच जाऊंगी। हरी हरा आशी तो नहीं मिला, ये हरे पत्ते मिल गए जूली। मिला क्या? मुझे भी नहीं मिला। आजकल के बच्चे जब देखो फोन पे गेम्स गेम्स गेम्स। मेरा नया फोन आ गया। मेरा नाम मियू मियू है, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इतनी सारी गेम्स, अब तो स्कूल में सबसे बढ़िया फोन मेरा ही होगा और मियू वॉइस कमांड भी है। चार्ली बॉस, अरे कहाँ है तुम्हारा नया फोन? तुम तो कितना एक्साइटेड थे अपना नया फोन दिखाने के लिए। हाँ, फोन दिखाओ, हम उस पर रोज गेम्स खेलेंगे। अरे चार्ली बॉस, देखो तो कितना खो गया है अपने नए फोन में। बड़े मजे कर रहे हो अपने नए फोन के साथ। चार्ली, अपने दोस्तों को घर जाने को कहो। मैंने बोला ना मैं बिजी हूँ, जाओ अपने घर। अरे देखो चार्ली, कुछ अजीब नहीं लग रहा, कहीं बीमार तो नहीं है चार्ली? चार्ली तुम ठीक तो हो ना? किसी ने भी तुम्हें ये बैग के साथ नहीं देखना चाहिए। भागो चार्ली। चार्ली ठीक नहीं है, शायद उस पर नजर रखना ठीक होगा। शायद उसे कोई परेशानी है जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। आजकल के बच्चे कैसे भाग रहे हैं, देखो देखो। हे रुको, मेरा पैर। वाह, चार्ली को जंप करते देखा? मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? ये चार्ली इतना इतरा कर क्यों बोल रहा है? पता नहीं, पर मैं अब थक गया हूँ। चलो ना घर चलते। ओहो, कितनी गर्मी हो रही है, मेरी शर्ट तो पसीने से पूरी गीली हो गई। हाँ चलो आइसक्रीम खाते हैं, गर्मी भाग जाएगी। लड़कों को हमेशा खाने के बारे में ही सोचता रहता है। तुम कौन सी आइसक्रीम लोगी जूली? मुझे तो सॉफ्ट ही चलेगी। ये लो जूली। थैंक यू राजू। आशी को ढूंढने में लगे हैं। अब मेरे वर्चुअल गेम में वायरस डालने का वक्त आ गया है। मुझे आशी डायमंड की लोकेशन दिखाई दे रही है। ये आशी मिल गया तो फिर तो मैं ये गेम जीत गया। ये तो बड़ी मुसीबत आ गई, पर मैं माइटी राजू बनू भी तो कैसे? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम्हारे फोन्स बंद हो चुके हैं, अब सब चुपचाप यहीं रहो। नमस्ते
आर्यनगर। अरे मेरी बेटी। अपने बच्चों को सही सलामत रखना चाहते हो तो पहले आर्यनगर की नई रानी यानी कि मैं अंबिका की खातिरदारी करनी पड़ेगी। ये माइटी राजू कौन है? मैं हूँ माइटी राजू अंबिका। लगता है कि ये कंप्यूटर से ही सारे आशय जनरेट होते हैं। तुमसे बहुत खुश है। तुम्हें पता है ना, तुम एक नई मिसाल बन सकते हो। आज तक फोन इंसान से ऑर्डर लेते थे, लेकिन अब इंसान फोन से ऑर्डर लेंगे। मियो मियो, चार्ली एक फोन से कमांड ले रहा है। अरे बाप रे, चार्ली तो बहुत खतरे में है मोबी। मुझे उसे बचाना होगा। All the best, Marty Raju. एक छोटे लड़के से तो ऑर्डर नहीं लूंगा मैं। म्यू म्यू, चार्ली को ऑर्डर करो कि इस लड़के को ठिकाने लगाए। चार्ली अटैक। ये म्यू म्यू चार्ली को ऑर्डर दे रही है, मगर म्यू म्यू को तो ऑर्डर उस दूसरे फोन से आ रहा है। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? अब चार्ली, मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगा। ये क्या, मियो मियो फोन खराब हो गया। लगता है मुझे अब नया फोन लेना होगा। अपने स्मार्टफोन से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताओ चार्ली, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। शुक्रिया। अब बस हुआ आशी, कुछ असली गेम खेलते हैं, जैसे कबड्डी। हेलो ड्राइवर अंकल। पता है दोस्तों, आज शायद फील्ड ट्रिप होगी। वाह, फील्ड ट्रिप, तब तो बढ़िया है। तुम्हें कैसे पता जूली? कल मैंने मैडम को प्रिंसिपल सर से ट्रिप के बारे में पूछते हुए सुना था। अच्छा है, सब मिलकर मस्ती करेंगे। मुझे भी मस्ती बड़ी अच्छी लगती है। किस तरह की मस्ती, वो हम सबको पता है चाली। राजू के बच्चे, खोल दू तेरे हीरोगिरी का पोल। हैं? उफ, ये चार्ली तो मेरे माइटी होने की पोल खोलने पर तुला है। हाँ हाँ बता दो, आखिर एक जीरो को ही तो एक हीरो की अच्छी पहचान होगी। क्या बुलाया तुमने मुझे चार्ली? बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब घर से अपना परमिशन स्लिप लाए हैं। जी मैडम। वेरी गुड। चिकी, आर्यनगर किले के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करो जल्दी। ठीक है राजू, अभी करती हूँ। ये आर्यनगर का सबसे पुराना किला है। सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग जगह लग रही है, तभी तो वहाँ हमें पिकनिक के लिए लेके जा रहे हैं। पिकनिक यहाँ डेंजरस है। क्यों? कुछ महीनों पहले यहाँ से पहरेदार बुलबुल अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं कि अब उसका भूत यहाँ पर घूमता है, और कुछ ने तो उस भूत को देखा भी है। यही तो है, ये तो भूत के बिना ही डरावना लगता है।
अगर हम डर रहे हैं तो सोचो दूसरों का क्या हाल होता होगा। ये तो बात सही है। अब तो डरने से काम नहीं बनेगा। बेकार में ही डर रहे हैं हम मोबी। कोई भूत भूत नहीं है, ये तो बस लेजर प्रोजेक्शन है। हाँ, पर ये कर कौन रहा है? अभी पता लगाते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए मूवी, या इसे भी कोई भूत चला रहा है? पहले कमिश्नर खन्ना को सिग्नल भेज देता हूँ। ए, कौन हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। माइटी राजू का अलर्ट पुराने किले से, वहाँ तो भूत के होने की खबरें हैं। कौन हो तुम? मैं तो बस एक हथियार बनाने वाला साइंटिस्ट हूँ। कुछ नए हथियार बनाए हैं मैंने, जिनका टेस्ट करना चाहता हूँ, वो भी आर्य नगर पे। ये तो खतरनाक रेडिएशन छोड़ती है। कैसा लगा मेरा जादू? इन सब के हाथों में मेरे बनाए हुए इनविजिबल बैंड्स लगे हुए हैं। तुम अकेले ही भूत से निपट आए माइटी राजू। भूत नहीं खन्ना अंकल, यहाँ का पहरेदार गुलबुल। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बेवकूफ बच्चे। स्पेसशिप के प्रदर्शन में माइटी राजू चीफ गेस्ट बन के आए। माइटी राजू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे बुला सकती हूँ स्पेसशिप के उद्घाटन के लिए। जूली, माइटी राजू तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? हाँ। तुम उसे संडे को आने को कह दो। डैड, पक्का कह दूंगी। बताओ ना, माइटी राजू तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कैसे बना? राजू, वो मैंने, वो कल मैंने जोश में डैड को और सबको खुश करने के लिए बोल दिया कि माइटी राजू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और तुम लोगों ने जब कहा कि मैं हार गई तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। फंस गई बुरी तरह। अब क्या करूं? कैसे माइटी राजू को चीफ गेस्ट बनाने के लिए बुलाऊं? रुको रुको जूली, हम सब मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि माइटी राजू को चीफ गेस्ट बन के आना ही पड़े। क्यों? सच राजू?
सभी का स्वागत है। स्वागत कीजिए आर्यनगर अंतरिक्ष कार्यक्रम के हमारे नायक और वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामी का। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि सुपर हीरो माइटी राजू आज हमारे स्पेसशिप का उद्घाटन करने अभी कुछ ही देर में यहाँ आएंगे। प्लीज राजू मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। जूली डरो मत, माइटी राजू है ना तुम्हारे साथ। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम्हारी मदद चाहिए, तुम भीड़ में गायब हो जाओ और कुछ देर बाद जूली को मिल जाना। जाओ। अरे ये मूवी पता नहीं कहाँ गायब है। जूली चलो उसको ढूंढते हैं। गोभी चलो। चार्ली वो इनाम है उनके लिए जो इस खेल में जीतते हैं। कौन से इस जोकर वाले गेम में? तुम तीन बार गेंद फेंक कर कोशिश कर सकते हो, ये लो। मैं तो एक ही बार में गिरा दूंगा। आउच, मुझे नहीं क्लाउन को मारना है चार्ली। तुम सामने आओगे तो यही होगा, अब हटो। अब सुनो, जैसे ही मैं बॉल फेंकने जाऊंगा तुम किसी तरह सबका ध्यान बटा देना ताकि मैं झट से पास जाकर जोकर को आसानी से गिरा सकूं। मुझे लगता है ये कोई शरारत करने वाला है। चलो मूवी। वो क्या था? कुछ भी होने दो, जाओ। हा? अब देखना मेरा निशाना कितना खतरनाक है। अच्छा तो वो उस रबर के साम से सबका ध्यान बटाना चाहता है ताकि चार्ली धोखे से जीत सके। अभी चखाता हूँ मजा। टिकटॉक मैक ट्रैक को ऑन करो। मेरी आँख और नाक। सही कहा था, तुम्हारा निशाना काफी खतरनाक है तुम्हारे लिए। तुमने कुछ किया है क्यों राजू? पर मैं तो यहाँ कितनी दूर खड़ा हूँ। ज्यादा होशियार मत बनो, समझे? वरना आज थोड़ा बिजी हूँ, कल समझा देना, ठीक है? बाय बाय। लगता है नया ग्राहक है, पर ऐसे अजीब कपड़ों में क्यों? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी जाने। सिक्योरिटी सिक्योरिटी
है आपको शो पसंद आया। हेलो पुलिस, मेरे शो पे दिन दहाड़े डकैती हो गई है, जल्दी आइए। वहीं रुक जाओ, वरना क्या कमिश्नर, हो जाओ मेरे रास्ते से साइड। क्या आपको चाहिए एक मेरी गोराउंड राइड? जल्दी चलो, भाग रहा है, पकड़ो उसे। पुलिस से पीछा कैसे छुड़ाऊं? बहुत हो गया मास्टर माइम, तुम्हारा खेल खत्म। सब लोग पीछे हट जाओ, भागने की कोशिश भी मत करना। कमिश्नर खन्ना, ऐसा मजाक नहीं करेंगे। माइटी राजू को मास्टर माइंड को रोकना होगा। सुरक्षा कवच के पार नहीं जा सकता तो उसके ऊपर से तो जा ही सकता हूँ। और मान लो बच्चे, माइटी राजू कभी हार नहीं मानता। ये माइटी राजू, तुम्हारा खेल खत्म माई मास्टर। कमिश्नर खन्ना, ग्लव्स के साथ ही मास्टर माइंड का सुरक्षा कवच बना रहता है। थैंक यू माइटी राजू। मीठा हो या चटपटा, खाओ सिंह के दुकान पर लो खाने का असली मजा। सेव पूरी, भेल पूरी, पानी पूरी, रबड़ा पेटिस और मिठाई भी है। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पेड़े, जलेबी, रगड़ा पैटिस या मीठी मीठी जलेबियाँ, चटपटी सेव पूरी या रस भरा रसगुल्ला। तुम बच्चों के लिए पहला आइटम खाओ सिंह की तरफ से बिल्कुल फ्री। आइडिया, हम तीन अलग अलग चीज लेकर आपस में शेयर कर लेते हैं, इस तरह हमें अलग अलग चीजों को टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। सही कहा राजू। खाओ अंकल, हमें एक प्लेट सेव पूरी, एक प्लेट रगड़ा पैटिस, बच्चों पहले इस बच्ची को इसकी आखिरी पानी पूरी तो दे दूं। कौन आया है मजेदार खाने के बारे में, तुम क्या जानो? दोस्तों कहीं और बैठते हैं ताकि चैन से इस खाने का मजा ले सके, यहाँ बहुत शोर है। सही कहा राजू, कहीं और चलते हैं। बहुत अच्छा बच्चे, खाना वेस्ट हो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी। अब
अपने रसगुल्लों को पकड़ कर रखो बच्चों, उछल उछल कर गिर रहे हैं। दोस्तों बास्केटबॉल के अलग अलग ट्रिक्स देखो। ये तो कुछ भी नहीं, असली बॉल तो इनमें है। डैडी नया कोला लॉन्च करने वाले हैं और मैं आज तुम सबको फ्री कोला दूंगा। ये लो। कोला सेहत के लिए अच्छा नहीं है चार्ली, भले ही वो मुफ्त का क्यों ना हो। कोला मतलब कूल, तुम नहीं समझोगे। हटो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें कूल क्या होता है। ये कूल नहीं खेल है, कूल मतलब स्टाइल, और वो स्टाइल कोला से ही आता है। देखो अब समझ में आया कूल क्या होता है। अब बोलो किस किस को फ्री कोला चाहिए। कोला मतलब वाला गैंग कमजोर पड़ गया।